नमस्कार, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और वक्त है मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन का, जहां हम रोजाना समझते हैं विधानसभाओं की तासीर क्या है, विधानसभाओं की तबीयत क्या है या फिर उनकी तरबियत क्या है। दर्शकों, आज एक और नई विधानसभा के साथ मैं हाजिर हूं, जहां के कामकाज को लेकर क्या कुछ जमीनी हाल है उसको जांचेंगे, परखेंगे। आंकड़ों की बात नहीं, किताबी बात नहीं, फाइलों की बात नहीं, बल्कि बिल्कुल जमीनी बात, ग्राउंड लेवल की बात, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग के साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ आम जनता से भी जुड़कर, बिल्कुल जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो संबंध है, ना पदाधिकारी है, ना कार्यकर्ता है, एक आम वोटर क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या उसका ख्याल है, वो किस माहौल की बात कर रहा है, वो भी मौसम वैज्ञानिक है, वो क्या समझ रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कामकाज कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसको लेकर बातचीत करेंगे। सिर्फ आपके सामने ओपिनियन पोल के नाम पर कुछ भी यूं ही नहीं परोसेंगे, बल्कि आपके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ रखेंगे कि आखिर क्या काम हुआ है, क्या वोटर कह रहा है, क्या जनता समझ रही है, और साथ ही साथ जमीन की हर हकीकत को बयां करेंगे। हमारे संवाददाता भी वहां से जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि आखिर जमीनी हालात क्या हैं। एग्जैक्ट अगर टू द पॉइंट कहूं तो यही ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि स्टूडियो के जरिए आपको हम विधानसभा ले जाते हैं, वहां की सैर कराते हैं और बताते हैं कि इस विधानसभा की क्या हालत है, इस विधानसभा के क्या हालात हैं, या फिर अगर सौंदर्यीकरण हुआ भी तो कितना हुआ, विकास अगर हुआ भी तो कितना बड़ा हुआ या पैदा ही नहीं हुआ, इस सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा माहौल में ढालने के लिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ताकि तस्वीरों के जरिए आप थोड़ा सा बांदा के माहौल में चलेगा। ये देखिए, दर्शन करिए बांदा का, ये देखिए बांदा का दर्शन करते ही आप दर्शन करते हैं तो सड़कों के दर्शन से ही आप समझ जाते हैं कि आखिर बांदा पहुंचने में आपकी गाड़ी कितने हिचकोले खाएगी। ये सड़क जो है, सड़क बड़ी समस्या है भाई। यूपी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो मुमन हर विधानसभा में हमने एक चीज देखी कि सड़क को लेकर उतना काम नहीं हुआ है जितना कि आपको नेशनल हाईवे पर दिखता है। नितिन गडकरी के नाम की हर जगह चर्चा है, हर जगह ताली बजती है उनके काम पर, लेकिन जब हम अंदर की सड़कों पर जाते हैं जो राज्य के अंडर में आती हैं, उनमें काम नहीं हुआ है। और वैसे ही कुछ यहाँ हाल है, काम कम है, सड़कें ही बता देती हैं कि अंदर शहर की क्या तस्वीर होगी। तो इसी पर चर्चा करेंगे, चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। सबसे पहले हमारे साथ बिल्कुल आम दर्शक जोड़ दीजिए, आम दर्शकों को जोड़िए हमारे साथ। सबसे पहले आम दर्शक के साथ चर्चा की करेंगे शुरुआत, बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चा, स्पष्ट, प्योर ये ओपिनियन पोल है एक तरीके से, आप इसको समझ लीजिए। आंकड़े नहीं है, किताबी नहीं है, कुछ भी एजेंडा नहीं, कुछ भी जीरो, सीधे आपके बाजू वाली खिड़कियों में आप देख रहे होंगे, इनमें दो लोग दिख रहे हैं आपको, ये आम लोग हैं, मैं इनको नहीं जानता, नाम बताइएगा जरा अपना एक एक करके। थोड़ा सा मैं डायरेक्टर साहब ऑडियो को थोड़ा सही करिए, आप नाम बताइए अपना। श्याम बाबू त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, चलिए त्रिपाठी जी आपसे ही शुरुआत करूंगा, आपसे शुरुआत करूंगा त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो ऊपरी ऊपरी बताइए, ऊपरी ऊपरी कि आप क्या समझ रहे हैं, विधायक जी रिपीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, विकास का चक्का जो है वो चला कि ना चला। विधायक जी रिपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो उनके कार्यों पर है कि किस तरह का कार्य उन्होंने किया है। कार्य पर ही चर्चा है, कार्य कैसा किया है आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप जनता है, जनार्दन है भाई आप। लेकिन 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 जो है आजादी से लेकर के 70 वर्ष गुजर गए हैं, आज तक बुंदेलखंड को केवल पिछड़ा रखा गया है। किससे रखा, कांग्रेस से रखा, गढ़ तो कांग्रेस है, बुंदेलखंड कांग्रेस का गढ़ है ना, किससे रखा जी, किससे रखा आजादी के बाद से आज तक? नहीं, अभी गढ़ कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ से कोई विधायक नहीं है। हाँ, नहीं अभी नहीं है, समय अभी नहीं है, पहले तो कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है भाई बांदा। अच्छा ये बताइए पंडित जी, बीजेपी से नाराज है कि नहीं है, बता रहे हैं ब्राह्मण बहुत नाराज है बीजेपी से।
क्योंकि ब्राह्मणों को कुछ मिला नहीं बीजेपी से। क्या लेना था ब्राह्मणों को जो नहीं मिला? केवल ये कहा, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिलना चाहिए था यहाँ? नहीं देखिए, ये बताइए ब्राह्मणों को क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिला? मिलना तो फिर सबको कुछ ना कुछ चाहिए था, हर पूरी जनता को एक साथ सब कुछ मिलना था, लेकिन ब्राह्मणों को वो स्पेसिफिक तौर पर क्या मिला जिससे ब्राह्मण नाराज है, ये बताइए। ब्राह्मणों का लड़का पढ़ा लिखा अच्छा खासा परसेंटेज बनाने के बावजूद भी आज कम से कम नहीं तो 10 साल हो गए बेरोजगारी की कगार पर है, और जहां बुंदेलखंड जिसको पिछड़ा कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा खनिज संपदा सर। पंडित जी जात में क्यों बांट रहे हैं आप? पंडित जी जात में बांट रहे हैं? पंडित जी ठाकुर का लड़का भी तो पढ़ा लिखा घूम रहा है, दलित का लड़का भी पढ़ा लिखा घूम रहा है, जात से कैसे संबंध है? नहीं, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, पूरे सामान्यों की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, सवर्ण की बात कर रहा सवर्ण की बात कर रहा हूँ कि चाहे जो भी सरकार आएगी वो बैकवर्ड की बात करेगी, पिछड़ा वर्ग की बात करेगी, एससी एसटी की एससी की बात करेगी, लेकिन सामान्य केवल अब वोट देने का हथियार रह गया है सामान्य की तरफ, चाहे भाजपा की सरकार आए। जबकि भाजपा की सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि सामान्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन 10% का जो उन्होंने सामान्य पर आरक्षण दिया उसको आज तक हम ही को पता नहीं चला कि किस तरह का आरक्षण है और कैसे 10% की श्रेणी में सामान्य आएगा। जाति आधारित जो जनगणना की बात चल रही है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उससे फायदा मिलेगा सामान्य वर्ग को, उससे सामान्य वर्ग को फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अन्य भी हमारे साथ हैं, उसका नाम जानेंगे। सबसे पहले तो नाम बताइएगा आप अपना। ठीक है, नाम बताइए। ठीक है, पंकज त्रिपाठी साहब हमारे संवाददाता ही हैं, अब नाम पूछे तो क्या पूछे, हमारे संवाददाता है। चलिए पंकज जी, पंकज त्रिपाठी साहब, पंकज आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज अच्छा, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि विधायक जी हैं वो भी द्विवेदी हैं, सामान्य दर्शक जुड़े वो भी त्रिपाठी हैं, हमारे संवाददाता हैं वो भी त्रिपाठी हैं, तो ऐसा लग रहा है ब्राह्मणों की महासभा चल रही है। क्यों त्रिपाठी जी? त्रिपाठी जी, मैं कह रहा था कि विधायक जी हैं प्रकाश द्विवेदी, ये भी ब्राह्मण, आप आम दर्शक के तौर पर जुड़े आप भी ब्राह्मण, हमारे संवाददाता महोदय हैं वो भी ब्राह्मण, तो ये तो बड़ा ब्राह्मणवाद हो गया। तो नहीं सर, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है ही, बांदा सदर की ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। हाँ, चलिए तो ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्या माहौल है बांदा में? बांदा में तो समाजवादी पार्टी का माहौल है, वो तो यादवों की पार्टी है जी, ऐसा कहा कह रहे हैं, हर कोई कहता है। अब ब्राह्मणों की हो गई है क्या? अरे हो गया यार, वो आई नहीं रहा। सर बीजेपी बैकवर्डों की पार्टी हो गई है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह के चले गए कि बैकवर्ड की पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब वो तो कह के चले गए कि बीजेपी कुछ नहीं करती इनके लिए, सिर्फ ठाकुरों के लिए करती है, सामान्य के लिए करती है, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती, सपा करती है पिछड़ों के लिए। नहीं सर, उनकी बात वो तो अवसरवादी नेता है, उनकी बात तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो अवसर देख करके छलांग मारते हैं, हम ऐसे नेता की तवज्जो नहीं करते हैं जो अवसरवादी हो। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, अब आते हैं बिल्कुल स्थानीय लेवल पे। अब ये बताइए मुझको कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी पैमानों पर आंकी जरा क्या कहते हैं आप जी? रिपोर्ट कार्ड बनाइए जरा विधायक जी का। अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं और उसमें बांदा की बात करूं, हाँ, तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब ध्वस्त है। हाँ, नहीं बांदा की बात करिए आप, बिल्कुल स्पेसिफिक रहेंगे बांदा। यहाँ पे सड़क अभी अभी बनाई, सड़कें अभी अभी बनाई गई हैं, 5 साल तक सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। हाँ, पूरा 5 साल तक जिस तरह के सड़कों की दशा है, हाँ, वो अभी केवल ट्रीटमेंट चुनाव के पहले 1.5-2 महीने पहले अभी ट्रीटमेंट किया गया सड़कों का।
स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर देखें तो स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा अगर कोरोना के पीरियड में सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई हैं तो केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी से सबसे ज्यादा मौतें हुई। चलिए ठीक है, अब त्रिपाठी जी यहाँ रुकूंगा थोड़ा सा, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि ऐसी कहावत है कि विषम परिस्थितियां जहां पर होती हैं वहां एक सैनिक, पुलिस वाला या पत्रकार सबसे पहले उस विषम परिस्थिति की ओर भागता है, बाकी सब उससे दूर भागते हैं। तो ऐसे में पत्रकार को, हमारे संवाददाता साहब को ज्यादा पता होगा कि हकीकत आखिर है क्या। बिल्कुल पास से बताइए पंकज त्रिपाठी साहब, क्या है बांदा में माहौल क्या है? सर आवाज नहीं आ रही मुझको आज। आवाज आएगी आपको, आएगी। आवाज नहीं आ रही सर। पंकज जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। पंकज जी बांदा में ही है, आप कहीं और हैं? कश्मीर में है, पीछे पूरा बर्फ बर्फ सा लग रहा है। चलिए पंकज त्रिपाठी साहब को दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। जी जी मैं बांदा में, बांदा में हूँ। हाँ हाँ भाई, चलिए पंकज त्रिपाठी साहब एक बार मैं फिर चेक करूंगा जरा, पंकज त्रिपाठी साहब मेरे साथ हैं कि नहीं है? चलिए ठीक है, चलिए त्रिपाठी जी को वापस लाइए जरा ऑन स्क्रीन। त्रिपाठी जी आपको, आप जरा मुझको बता रहे थे पैमानों के आधार पर कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी में बांदा कितने नंबर पा रहा है? सर यहाँ की सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था खराब है तो स्वास्थ्य विभाग की, शिक्षा तो इतना ध्वस्त हो गई है कि शिक्षा की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सरकार शिक्षा को इस तरह से नकार दिया है, प्राइवेट स्कूलों में लगातार 10-10, 20-20 हजार रुपए फीस ली गई, गार्जियनों को परेशान किया गया, उसके बाद 2 साल से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस बराबर दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों का मापदंड ये है कि सरकारी स्कूलों में केवल मास्टर जाते हैं, एक एक दो दो मास्टर, प्रत्येक स्कूल में एक एक दो दो मास्टर है जो बच्चों को घरेड़े बैठाए रहते हैं और उसके बाद छुट्टी होने पर 3-4 बजे जो छुट्टी होती है छोड़ देते हैं। तो शिक्षा यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अच्छा त्रिपाठी जी ये बताइए, आप काफी एक्टिव लग रहे हैं, राजनीति समझ रख रहे हैं, ये बताइए पूर्वांचल की बात खूब हो रही है, सब राजनीतिक जितनी भी पार्टियां सब पूर्वांचल की बात कर रही हैं, पश्चिमांचल की तो बात चली रही है, ये बुंदेलखंड कहाँ पिछड़ रहा है? बुंदेलखंड की कोई बात नहीं कर रहा है? बुंदेलखंड में नेता नहीं है सर जी। अरे बुंदेलखंड में तो बड़े बड़े नेता भी हैं। बुंदेलखंड में एक ही नेता पैदा हुआ है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। हाँ वो तो अब खुद नहीं पता, जिनका विकास बांदा में आज जो भी विकास दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक ही नेता का विकास दिखाई दे रहा है, वो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने बांदा में मेडिकल कॉलेज दिया, कृषि विश्वविद्यालय दिया, बांदा को रिंग रोड दिया, कम से कम 20 से 25 पुल दिए। तो उनका जो 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 उनके समय में जो रोड़े उनका चौड़ीकरण हुआ, जो रोड़े बनी वो आज भी बनी है। एक ही नेता हमें समझ में आया है जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कांग्रेस में है, तो कांग्रेस से फिर क्या समझ रहे हैं जी? अब कांग्रेस में है लेकिन जब वो बीएसपी में थे और जब वो मंत्री थे उन्होंने विकास कार्य जिस तरह से बांदा में किए हैं आज तक कोई नहीं कर पाया, आजादी के 70 साल से कोई नहीं कर पाया और आगे भविष्य में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, स्थानीय नेता बताइए जिसको आप समझ रहे हो कि हाँ वो आपके हितों की रक्षा करेगा, आपके बारे में सोचेगा समझेगा, स्थानीय नेता? अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्रकाश द्विवेदी की कोई कार्ड बता दीजिए, प्रकाश द्विवेदी का अगर टिकट काटे तो बीजेपी किसको दे, थोड़ा बता दीजिए, उनको भी आइडिया हो जाएगा। प्रकाश द्विवेदी का काट नहीं हो सकता है इसलिए कि हम पार्टी लेवल की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने काम थोड़ा बहुत किया है तो वो प्रकाश द्विवेदी है। 4 विधायकों में 4 विधानसभा में अगर उन्होंने काम किया है तो वो है प्रकाश द्विवेदी, जो बांदा सदर से जिन्होंने काम किया है जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सदर में क्या है, सदर में वापसी करेंगे प्रकाश द्विवेदी साहब, क्या लगता है आपको? हाँ, सदर में वापसी हो सकती है अगर
ठीक ठाक कैंडिडेट सपा नहीं दे पाई तो ठीक है, कैंडिडेट पर निर्भर करता है। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करेंगे, शायद विंडो में दिख रहा है कि हमारे रिपोर्टर साहब भी हमारे साथ हैं। पंकज त्रिपाठी जी, जी हेलो, चलिए ठीक है, कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी की। चलिए त्रिपाठी जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ही हमारे साथ बने हुए हैं, शुरुआत से अंत तक शायद आप ही रहेंगे। तो त्रिपाठी जी, आप जरा बहुत करीबी चर्चा करते हैं। एक और जो प्रकाश द्विवेदी साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि इस बार दोबारा से वो प्रत्याशी बनकर भारी मतों के साथ जीतने वाले हैं। ठीक है, स्थानीय लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो अपना देख रहे होंगे ठीक है, लेकिन प्रदेश स्तर पर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, बीजेपी से कहा जा रहा है कि भागम भाग की स्थिति है, समाजवादी पार्टी ने सभी जातियों का एक सम्मेलन कर लिया है, मतलब ऐसा लगता है दूर से देखने में कि जातियों का एक समूह है ये पार्टी। ठीक है, तो खूब सारा बड़ा सा गठबंधन हो गया है। तो अब बीजेपी बनाम जब गठबंधन को आप देखते हैं प्रदेश स्तर के लेवल से, तो आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि किसको चुनना चाहिए? क्योंकि विधायक कोई भी चुन लें आप, लेकिन अगर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं है, उस सरकार से संबंधित विधायक नहीं है, तो फिर नुकसान होता है ना। तो अब ये बताइए, प्रदेश के लेवल से आप क्या समझ रहे हैं, प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? कोई गुंजाइश नहीं। देखिए सर, एक बार अभी कुछ दिन पहले केशव मौर्य जी आए थे बांदा, और हम अशोक लाट चौराहे पर जहाँ पे खड़े हैं उससे थोड़ी दूर अशोक लाट चौराहा है, जहाँ पे धरना स्थल है, तो हम लोग वहाँ पे खड़े थे, तो पुलिस वालों ने हमको वहाँ से जाने नहीं दिया वहाँ, जबकि हम जाना चाहते थे, देखना चाहते थे, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को सुनना चाहते थे, लेकिन इतनी फोर्स खड़ी हो गई कि चौराहे से किसी को जाने नहीं दिया। ये जो लोकतंत्र की ये जो व्यवस्था है, ये हमारी समझ में नहीं आई कि आखिर हम अगर आपकी समझ में क्या नहीं आया दिया है, ये तो पाषाण काल से चला है। अरे पंडित जी चलिए, आपने बड़ा गंभीर तार छेड़ दिया, अब आपको बताता हूँ, ये तो पाषाण काल से चली आ रही व्यवस्था है। आज की परिस्थितियों में आप कितना भी डेमोक्रेसी कर ले, लेकिन ये एक सत्य है कि वोटर जनार्दन जरूर हो सकता है, लेकिन वोटर आजकल, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बहुत स्पष्ट खुलकर, वोटर आज भी रंक है और जो नेता है वो राजा है, इसको मान लीजिए आप, एक्सेप्ट करिए इसको। और ये जो चुनावों का समय होता है, त्रिपाठी जी बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो ये जो चुनावों का समय होता है, क्या मैंने नहीं देखा कि आपने नहीं देखा? आप बताइए मुझे कोई आईएएस पीसीएस या वरिष्ठ पत्रकार आपके पैर छूता हो, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस आपसे नहीं है ना। एक नेता आपके पैर छूता है ना, और चुनाव के वक्त नेता गांव चला जाए तो वो गाय भैंस बकरी का भी पैर छू ले, होता कि नहीं होता? ये तो भाई उसका एग्जिस्टेंस आपसे, अब वो सोच रहा है, आप उसको वोट दीजिए फिर चुनाव खत्म होने दीजिए, जीत गया और हार गया तो फिर आपको दर्शन दे दे, बहुत बड़ी बात है। चलिए, 5 साल नहीं दर्शन देगा, नहीं पार्थ भाई मैं बता रहा हूँ ना कि चुनाव के वक्त तो वो ऐसे पैर छुएगा, अगर गांव आ गया तो गाय भैंस बकरी सबके पैर छू लेगा, ये होता है, इसका कोई उससे संबंध नहीं है। आप भावुकता में मत जाइए, भावुकता के पैमाने में मत चले जाइएगा। सदी हमारे बुंदेलखंड की जो जनता है वो ये इंतजार कर रही है कि कम से कम कोई ऐसा नेता है जो बुंदेलखंड के विकास की बात करे, जो बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित करे। हमने ये देखा है कि कांग्रेस के समय में 2 कंपनियां यहाँ लगी थी, एक कांच फैक्ट्री और एक सूती मिल, उसको भी बंद कर दिया गया है हमारे। अच्छा त्रिपाठी जी, दिल पे हाथ रख के बताइए, अब ऐसा नेता कोई मिल सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नेता कोई होगा जो बुंदेलखंड में उद्योगों को। क्या आपको लगता है कि आप कोई लोहिया जैसा, जेपी जैसा कोई नेता हो सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं दिख रहा है। मिल सकता है कुछ? नहीं मिल सकता। और आज की परिस्थितियां त्रिपाठी जी, आप बड़ा, मैं भाई वही बात कह रहा हूँ कि आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। त्रिपाठी जी ये बताइए, वो दौर था जब जेपी जैसे लोग, जब लोहिया जैसे लोग दिल्ली की सड़कों पर बसों में सफर करते थे, ट्रेनों में सफर करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोग, लालू जैसे लोग संघर्ष करके आगे बढ़े। आज की परिस्थिति में आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, क्या कोई अल्टो वाला या हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वाला कोई टिकट भी पा सकता है? टिकट भी नहीं पा सकता सर, और अगर टिकट मिल भी जाए किसी कारण बस, मैं यहाँ देखता हूँ जो भी पार्टी के जो नेता हैं, जो चाहे वो जिस पार्टी के हो, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे पूरा जीवन बीत जाता है, उनको टिकट नहीं मिलता है। और जो पैसे वाले हैं, बालू माफिया हैं, दारू माफिया हैं, जो जिनके पास नंबर 2 के काम है, जिनके पास
अवैध धन का भारी मात्रा में आवागमन है, वो जाते हैं और तुरंत टिकट खरीद के ले आते हैं और हवा में चुनाव जीत जाते हैं और पांच साल जनता की तरफ देखते नहीं है। और त्रिपाठी जी बड़ा गंभीर, त्रिपाठी जी को लीजिए जरा, त्रिपाठी जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए, त्रिपाठी जी बड़ा गंभीर है, ये बड़ा गंभीर मसला है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये जो चल गया है ना, अब आर्थिक व्यवस्था देखिए, आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी कंट्रोल में है नेताओं के, इसको मान लेंगे हम लोग, क्योंकि ये नेता देखिए इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहता है कि 40 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, अरे कैसी बात है ये, मजाक की बात है ये, 40 लाख नहीं, अगर नेताओं को 4 करोड़ भी खर्च करने पड़े तो नेता 4 करोड़ का 40 करोड़ भी खर्च करेगा, क्योंकि वो 40 करोड़ और 4 करोड़ को फिर वो बाद में 400 करोड़ बनाने की कोशिश करता है। ये दरअसल एक बिजनेस मॉडल बन गया है, है कि नहीं है? ठीक है, एक और हमारे साथ एक और जी, मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। हाँ। पूरा हिंदुस्तान इसको सुनेगा कि एक विकलांग पति पत्नी दोनों विकलांग थे 100% और भीख मांगते थे। हाँ। उनका बच्चा बीमार हो गया, मैं लिवा करके विधायक जी के पास गया कि इनकी कुछ मदद कर दीजिए ताकि इनका बच्चा प्राइवेट में भर्ती है, चाहे फोन कर दीजिए। उन्होंने कहा एस्टीमेट बनवा के लाइए। अच्छा। हमने कहा ये बेचारा एस्टीमेट क्या जाने, इसका कम से कम ऐसी मदद कर दीजिए कि इसके बच्चे की जान बच जाए। तो इस तरह से हमने देखा है, बहुत सारे लोग हम जमीन में काम करते हैं, हम देखते हैं जो भयानक मुसीबत में है उस समय उसकी 10-20 हजार से ये नेता मदद नहीं करते हैं और चुनाव के टाइम में करोड़ों रुपया पानी में बहा देते हैं, वो इनको गवारा है। अगर यही काम ये पहले जनता के लिए करे तो इनको उस समय चुनाव के टाइम में इतना रुपया बर्बाद करने की जरूरत न पड़े। क्यों मेहनत की जरूरत है भैया, मेहनत की जरूरत है त्रिपाठी जी, क्या मेहनत की जरूरत है? जब पैसा देकर वोट मिल जाए, जब एक दारू का पौआ देकर वोट मिल जाए, जब जाति के नाम पर वोट मिल जाए, जब धर्म के नाम पर वोट मिल जाए, तो क्या जरूरत है भाई? मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं जरूरत जी, नेता भी जान गए हैं कि उसी समय वर्तमान समय में दारू गांजा और अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं करवा करके उन्हें वोट जाति के नाम पर धर्म के नाम पर इसको लड़ा के उसको लड़ा के वोट हासिल करना है, इसलिए उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसलिए जनता दुखी है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, जरा तस्वीरें स्क्रीन पर चलाइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा, जरा माहौल दिखाते हैं आपको बांदा का। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तस्वीरों में देखिए कैसा लगता है बांदा। ये तस्वीरें बार बार आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आप एक मेंटल रूप से बांदा पहुंच जाइए, बांदा पहुंच जाएंगे फिर हम आपको आगे बताएंगे बांदा में है क्या। चलिए ठीक है, ऑन स्क्रीन लीजिए दोबारा से। तो एक और हमारे साथ बीच वाली खिड़की पर मौजूद है, आम दर्शक है बताया जा रहा है, बताइए नाम बताइएगा सबसे पहले अपना। साकेत मिश्रा लीजिए, एक और मिश्रा जी आ गए। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज ब्राह्मण महासभा करवा रहा हूँ मैं वर्चुअल। बताइए बताइए, चलिए मिश्रा जी आप बताइए, विधायक तो आप ही की जात के हैं, रिपीट करेंगे कि नहीं? बीजेपी से सिर्फ यही सीट रिपीट हो सकता है, बाकी 3 सीट बीजेपी हारेगी। आपकी आवाज तो बिल्कुल मतलब 3-4 वेव में मेरे पास आ रही है, दोबारा बताइएगा, दोबारा भैया। मैं ये कह रहा हूँ, सर सुन पा रहे हैं? बिल्कुल साकेत जी, जी सर यही एक कदम की जो बाकी तीनों बीजेपी हार रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गया, ये वाली सीट जीत रही है बाकी 3 हार रही, भैया क्यों हार रही है, क्यों हार रही है, मतलब किस काम को लेकर आप नाराज हैं, मतलब किस काम को लेकर वहां की जनता नाराज है, मैं बस इतना समझना चाहता हूं और कुछ नहीं। 5 साल विधायक नदारद है। अच्छा, तो 5 साल जितने भी विधायक है यहाँ ट्रिपों में बाल चोरी करवाने में तह करते रहे और रात में कमीशन देते रहे। हाँ। इस नाते और 5 साल किसी भी प्रकार के कार्यो में जनता के साथ सहभागिता नहीं मिली है। हाँ। तो न कोरोना काल में और न तो जो 5 साल गायब रहे, अब जब क्षेत्र में आ रहे होंगे पैर छूने तब तो आपको नाम से बुला रहे होंगे, आप तो छोटे भाई होंगे अब। जी जी, हमारा आपका बेटा उनका बेटा होएगा, बिटिया तो बिटिया होएगी। जी, अब तो गाय की घर की जो बकरी बंदी होगी बकरी भी अपनी बता रहे होंगे कि तो हमारी है। जी जी, यही है। चलिए, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, एक बड़ा अच्छा पहलू आपने रखा कि ये जो नेता ये जो विधायक जीतने के बाद जो
टूर पे चले जाते हैं लंबे, लखनऊ में निवास करते हैं, बढ़िया से घर बनवाते हैं अपना चार मंजिल का, वहाँ बढ़िया से रहते हैं, कुछ दिल्ली सेटल हो जाते हैं। तो जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि ना समझे। बड़ा अच्छी बात कही आपने साकेत जी कि जीते और चले गए। क्यों साकेत जी? जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जीते और चले गए लखनऊ, और फिर चुनाव आया, फिर आ गए, लेकिन इस बार ऐसे वोट करने के मूड में है नहीं जनता, आप ये कह रहे हैं। और दल बदल लिए हैं, फिर भी जीतेंगे नहीं। अच्छा, दल भी बदल लिए, मतलब घर बदल लिए। तो बीजेपी जीते थी और ना दल बदल वाले जीतेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत अहम बातें आज हुई हैं, बहुत अहम चर्चा हुई है। अहम चर्चाओं का अगर लबोलुआब आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करूं, तो सिर्फ दो तीन बातों में समझा सकता हूं। पहली बात, वो नेता जो चुनावों के वक्त दर्शन देते हैं और 5 साल तक दर्शनों से बहुत दूर रहते हैं, चुनावों के वक्त पाँव पाँव पड़ते हैं, उन नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि जनता अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, काफ़ी जागरूक हो गई है। दूसरी चीज़, जो नेता चुनाव जीत जाते हैं किसी भी वजह से, जो वजह ऊपरी होती है, उन वजहों से जो नेता चुनाव जीतते हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप काम नहीं करेंगे और हर टर्म के बाद आप ये सोचेंगे कि आप इस बार फिर उसी वजह से जीत जाएंगे, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। और बाकी काम करना कितना ज़रूरी है, ये त्रिपाठी जी की एक बात से समझा जा सकता है कि त्रिपाठी जी को आज भी वो वाक्या याद है जब वो बता रहे हैं कि एक विकलांग को लेकर वो विधायक जी के पास पहुंचे कि इनका इलाज करवा दीजिए इनके बच्चे का, तो विधायक जी ने कहा कि पहले वो कच्चा चिट्ठा लेके आओ, नहीं लेकर आए तो नहीं हुआ। तो बांदा का यही हाल है, यही सूरत है बांदा की, आपको दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे साथ लोग जुड़े जिन्होंने बड़ा करीबी बात बताई, बड़ा अंदर की बातें बताई। कल एक बार फिर हाजिर होऊंगा मैं एक और नई विधानसभा के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।